मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। मंगलौर विधानसभा में बसपा से विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है, तो वहीं बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र मुंडी को चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की गई है। वहीं जबकि भाजपा ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को मंगलौर विधानसभा में उतारने के लिए मंथन करने में जुटी हुई है। हालांकि मंगलौर उपचुनाव को लेकर अभी कोई फैसला प्रदेश सरकार ने नहीं लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराए जाने की भी चर्चा की जा रही है। हालांकि मंगलौर विधानसभा सीट पर अभी तक भाजपा अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। वहीं इस उपचुनाव में भाजपा अपनी सीट का सूखापन दूर करने के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारकर इस सीट पर भाजपा का परचम लहराने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मंगलौर विधानसभा सीट पर शुरू से ही बसपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के उम्मीदवार के बीच हार जीत के परिणाम निकले हैं, लेकिन इस बार बसपा के कद्दावर नेता में शुमार हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद भाजपा सीट को जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद बसपा ने युवा नेता को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो वहीं समर्थकों ने भी इस बार बसपा की झोली में ही इस सीट को डालने की उम्मीद जताई है। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया, और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूँ। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक हैं, और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया, और इसको मैं अब वाली साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा।